What is the speaker's constitutional obligation? The general Bomai principle, which your lordship has been shown in para 395 of Bomai, is that please, Mr. Speaker, do not do a mathematics, and Mr. Governor, please do not do this mathematics of but for. Call for the floor test. Let this be decided on the floor. विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा और विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष के पास संविधान, प्रक्रिया, नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं के तहत व्यापक अधिकार होते हैं। विधानसभा के परिसर में उनका प्राधिकार सर्वोच्च है। स्पीकर को हटाने का एक तरीका है विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प या रेजोल्यूशन जारी करना। अनुच्छेद 179 के क्लॉज सी में अध्यक्ष को हटाने के बारे में प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प अनुच्छेद 179 के तहत ही लाया जाता है। हालांकि इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। So therefore, mother, all this not dealt with in Nabam Rebia. What's the ground for removal of this? That's the other point I wanted. No ground. I show your lordship that notice. Nothing. So that was not a disqualification. He was not being removed under under the 10th schedule. Correct. Therefore, mother, that notice was an ab initio void. No, but they can always say that, look, we don't have confidence in the speaker. No, they can't, because that's the removal proceedings are under 179. I showed your lordship Shakdar and call, which says it has to be for reason. I showed that your lordship at the outset. महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष को हटाने से जुड़े संकल्प पर तभी विचार किया जाएगा जब उसके समर्थन में कम 29 विधायक होंगे। हालांकि ये विधानसभा में ही तय होता है कि संकल्प लाने के समर्थन में कितने विधायक हैं। जब विधानसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष को हटाने के किसी संकल्प पर विचार किया जा रहा हो, तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, यानी सदन की कार्यवाही का संचालन वो शख्स नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 181 में ये स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि उस दौरान अध्यक्ष को बोलने और उसकी कार्यवाहियों में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। उसे आम सदस्य की तरह वोट करने का भी अधिकार होगा। हालांकि मत बराबर होने की स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। Because removal is stigma, which is why mother, he is allowed to be in the house, allowed to participate in the proceedings and respond to the allegations. It's not a no confidence. No confidence is no reasons. It's a removal. Again, not considered in Nabam. So these are very serious questions. उसे आम सदस्य की तरह वोट करने का भी अधिकार होगा। हालांकि मत बराबर होने की स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।